हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी ये स्टॉक है या फिर अगर आप लोग सोच रहे हैं इसको लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बड़े ब्रोकरेज हाउस या फिर बड़े एनालिस्ट की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल रेटिंग आ रही है। उसके पीछे का क्या कारण है वो उस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर जान लें तो आप लोग देखेंगे कि 2020 की गिरावट के बाद इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोगों को 300% रिटर्न डिलीवर होते हुए नजर आया है। एक लार्ज कैप कंपनी अगर 1-2 साल के अंदर ही इतने बड़े रिटर्न दे देती है तो डेफिनेटली उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। उसी के चलते आप लोग देखेंगे कि अभी एक दिन पहले ही यहाँ पे आर्टिकल आया है जिसके चलते यहाँ पे CLSA ने सेल रेटिंग दी गई है। और उसका रीज़न भी यही है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है जो कि अनजस्टिफाइड है। और यहाँ पे सेल रेटिंग के बाद जो टारगेट दिया गया है वो 6,500 का है। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इतने ऊपर के लेवल पे अगर आप लोग बाय करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस स्टॉक को। जब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट होती हुई नज़र आए तब डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेस्ट पिक होगी बजाज फाइनेंस, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। अगर हम लोग बात करें आज की, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो टारगेट है वो भी बजाज फाइनेंस के लिए सेल रेटिंग दी गई है। और ये आज का ही आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो टारगेट प्राइस है वो 6,800 6,700 के हैं। और यहाँ पे करंट जो आप लोगों को बजाज फाइनेंस का स्टॉक है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है 7,350 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करिए। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है वो लोग डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक अगर आप लोग 6 से 7 महीने से हॉरिजन से ज़्यादा रखते हैं तो डेफिनेटली वापस ये स्टॉक आप लोगों को इन्हीं लेवल्स पे लौटता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर 6 महीने का डाटा देखें तो आप लोग देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे हर डिप में इस स्टॉक ने 15 से 16% रिटर्न आप लोगों को आराम से डिलीवर करके दिखाया। देख सकते हैं 21% रिटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 16% रिटर्न उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 10% रिटर्न। तो बहुत ही आसानी से 10-15-20% रिटर्न ये स्टॉक डिलीवर कर देता है। तो जब भी मौका मिले गिरावट में आए, ये स्टॉक 6,500 के लेवल पे 6,700 के लेवल पे आए, तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो पिक करिए और वापस से 7,500 के लेवल के आसपास इस स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। बजाज फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।